हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑल टाइम क्लासेज सहारणपुर चैनल पर दोस्तों मैं संजीव तोमर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और आपके लिए हमने जो एसएससी एस और यूपी पुलिस और रेलवे के लिए एक स्पेशल बैच के वैसे तो स्पेशल जो स्टार्ट किया है एसएससी जीडी के लिए दोस्तों अभी शुरू किया है ये बैच तो इसकी एक क्लास लेकर आया हूँ आज की जो क्लास है आप देख रहे हैं ये लेक्चर टू होगा संख्या और पत्ती का ठीक है ना लेक्चर कौन सा होगा ये टू तो इसलिए आपको अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो बस आपको एक ध्यान रखना दोस्तों इसकी अब से पहले चार क्लास हो चुकी तीन तो हमने इसकी बेसिक क्लास बनाई थी ठीक है ना तीन बेसिक थी और दो इसकी क्लास दूसरी आज है ये और आज इसकी फुल एंड फाइनल क्लास है ठीक है ना तो इस क्लास के बाद ये चैप्टर तकरीबन समाप्त हो जाएगा तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास देखते हैं कितने क्वेश्चन मज़ेदार रहे और कैसे हैं आपके तो चलिए दोस्तों जल्दी से शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की तो शुरुआत करते हैं आज के विचार से आज का विचार क्या है आज का विचार है दोस्तों आपकी मेहनत और समर्पण ही आपकी सफलता की कुंजी है तो सुविचार आज का क्या है आपकी मेहनत ही और समर्पण ही सफलता की कुंजी है तो ये आपको मानकर चलना दोस्तों ठीक है ना ये बात सच भी है अगर आप सेक्रीफाइ नहीं कर सकते मेहनत नहीं कर सकते तो दोस्तों सफल नहीं हो पाओगे अपनी जिंदगी में ठीक है ना तो यह इंग्लिश में ये मोटिवेशनल जो है टुडे मोटिवेशन तो क्या योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन आर द की ऑफ योर सक्सेस तो आप इसे भली प्रकार से जानते हैं इस बात को कि आपको किसी ना किसी तरह दोस्तों समर्पण देना ही होगा समर्पण यहाँ पर ऐसा त्याग नहीं है चाहिए यह बस यहाँ पर नॉर्मल त्याग कितना जिससे आपकी यानी पाँच से छः घंटे आपको पढ़ाई करनी बस इतना सफिशेंट उसके बाद जाकर आप चाहे कुछ भी चाहे जो मन करे एज ईरविस आप करते रहें तो चलिए दोस्तों इसी भाव विचार को अपने ध्यान में रखेंगे और हम अपना जो कार्य करते रहेंगे चलिए शुरुआत करते हैं ये एक चार्ट बनाया गया दोस्तों इस चार्ट के थ्रू बताया क्या जा रहा है आपको इस चार्ट के थ्रू आपको बताया जा रहा है कि ये जो चैप्टर है इन सभी डिपार्टमेंट के अंदर आने वाला है तो इसके बारे में जो बेसिक बात थी वो हम सबसे पहले कर चुके क्योंकि तीन बेसिक क्लास ली तो उसमें जाहिर सी बात है बच्चों की कोई भी समस्या नहीं बची अब शुरुआत करते हैं आज के इस क्वेश्चन से तो पचास क्वेश्चन कर थे तकरीबन पचास ही होंगे क्वेश्चन तो उन्हें करते हैं जल्दी से चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी चो, से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि तीन सौ सात से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो कोई बात नहीं तीन सौ सात की अगर बात करी गई यहां पर अब लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक मिनट दोस्तों मैं इंक चेंज कर देता हूँ जो आपकी समस्या वो दूर हो जाएगी ठीक है ना और उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे चार अंकों की है तो चार अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ये होगी इसे तीन सौ तो सात सौ आपने डिवाइड कर दिया तो तीन है ना तीन ही चल जाएगा नौ सौ इक्कीस तो ये रहा और यहाँ से अठहत्तर फिर नौ उतार लिया और दो बार चला छः सौ चौदह तो यहाँ से एक सौ तो ये घटा दीजिए यही रहेगा आंसर तो आंसर कौन सा रहेगा आपका ये तो नहीं है ठीक है ये घटाना होगा दोस्तों इसमें से तीन सौ सात माइनस के एक सौ तो बचा कितना एक सौ बत्तीस आपका आंसर है सी ऑप्शन ठीक है यहाँ पर क्या है दिया गया जब इस क्वेश्चन में कहा गया क्या कहा गया है थोड़ा ध्यान से पढ़ना दोस्तों जब एन भेगी जगह क्या है यहाँ पे एन है जब एन को पाँच से विभाजित किया जाता है तो शेषफल दो आता है एन स्क्वायर को विभाजित किया जाता है तो शेष पाँच से विभाजित फिर शेषफल कितना होगा इसका भी स्क्वायर कर दीजिए दो का स्क्वायर कितना होगा चार ये लीजिए तो आंसर रहेगा डी यहाँ पर क्या कहा गया इस क्वेश्चन किस में किसी संख्या को छत्तीस से भाग देने पर उन्नीस शेष आता है तद अनुसार उसी संख्या को बारह से भाग देने पर क्या शेष आएगा बारह एक बारह सात बचेगा दोस्तों बारह से भाग दिया उन्नीस को ठीक है ना उन्नीस काट दिया बारह से तो सात शेष बचा ऑप्शन ए ठीक था यहाँ पे अगला क्वेश्चन है वह है छोटी से छोटी संख्या जिससे चार अंक वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ा जाए तो योगफल तीन सौ पैंतालीस से विभाजित होगा तो चार अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है ठीक है ना तो उसे आपको तीन सौ पैंतालीस से काट देना है ठीक तो तीन सौ पैंतालीस से काट दोगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी तो चलिए देखते हैं दो बार चल जाएगा तकरीबन ये कितना छः सौ नब्बे तो यहाँ से कितना तीस बचा और नौ और चला दिया ठीक है ना एक नौ ओवर चलाया तो यहाँ के बाद यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है नौ दोस्तों तीन टू तो नौ बचा ये ठीक है तो उसके बाद आठ बार चला तकरीबन ये भी है हाँ सत्ताईस छः ज़ीरो ठीक है ना आठ बार चला तो तीन तीन नौ ये तो मिला ठीक है ना अभी आपको करना क्या है इन दोनों को घटा दीजिए तीन तीन नौ तो छः बचा आपका आंसर बी ऑप्शन ठीक है एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी वो छत्तीस के बदले तिरसठ से भाग तिरसठ को भाजक रूप में लेता है तो उसका उत्तर चौबीस था तो कहा ये गया यदि वो छत्तीस से सही था लेकिन गलती से कर लेता है तो भागपल उसे कितना मिलता है चौबीस तो छत्तीस से बताना कितना होना तो ऐसा तो कर लो छत्तीस गुना एक्स और तिरसठ गुना चौबीस तो बस और कुछ नहीं तो कैसे चौबीस ये चौबीस दूनी और बारह दूनी चौबीस बारह छत्तीस तीन तो और काटते कितना रहा इक्कीस टेक्स बराबर फोर्टी टू मिला दोस्तों बी ऑप्शन ठीक है यहाँ पे है ए को दो सौ अठासी से अट्ठाईस से विभाग को विभाजित करते हैं और शेष अट्ठारह बचता है एक का दो अंकों एक का दो अंकों का मान क्या होगा तो हमें बताना है एक का दो अंकों का मान कितना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं एक के बारे में बताते ए बराबर देख लिया दो सौ अट्ठासी में से आप कित, कितना घटा देना शेष पर लिए तो कितना बचा दो सौ दस है ना अब दो सौ दस के अकॉर्डिंग देख लेना आपको कितना हो सकता है इसके फैक्टर दो होगा तीन होगा पाँच होगा सात होगा ठीक है ना तो ऐसे क्या बोल सकते हो पाँच और सात तो ये कितना होगा पैंतीस ठीक तो डी ऑप्शन ठीक है आपका तो यहाँ पे यानी एक पूर्ण संख्या है उसे जब चार से विभाजित किया जाए तो शेषफल पल तीन आता है अगर टू एन को चार से विभाजित किया जाए तो यहाँ पे से तीन गुना दो दो की मल्टीप्लाई करने को कहा ना यहाँ पे दो तो चार से फिर डिवाइड किया तो कितना मिला दो से छः बनने वाला था तो बी ऑप्शन ठीक है आपका चलिए तो यहाँ पे दोस्तों अट्ठारह सौ अड़तालीस के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी तो ठीक है जी इसके फैक्टर कर लेने क्या हो जाएंगे दो गुना दो गुना दो गुना दो ठीक है इतना तो इसके बाद फिर तीन भी सात भी और ग्यारह भी ये रह जाएगा दोस्तों विषम विभाजक अगर देख ले तो तीन गुना सात एक तो ये बना दूसरा बना सात गुना ग्यारह ठीक है ना और तीसरा बना तीन गुना ग्यारह और चौथा बना दोस्तों आपका तीन गुना सात गुना ग्यारह तो विभाजक अगर देख ले तो इक्कीस है फिर उसके बाद सत्य कितना सतहत्तर सॉरी और ये फिर कितना हुआ तैतीस और ये हुआ तेईस तो अगर देख ले जाए तो ये क्या है ठीक है ना हम्म तो यहाँ के बाद अगर देख ले तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं संयुक्त तो विभाजक संख्या कितनी बनी चार बनी तो ऑप्शन ए ठीक है निम्नलिखित में से में से कौन सी संख्या पच्चीस द्वारा विभाजित तो हो सकती है तो ये तो आपको ध्यान देना होगा दोस्तों अगर पच्चीस से विभाजित करने के लिए तो ठीक है ना पाँच से पूरी पूरी कट जानी चाहिए दो अंकों की संख्या लास्ट में अगर देख लिया जाए तो पूरी कट जानी चाहिए चालीस नहीं कटेगा ये नहीं कटेगा ये नहीं तो पचहत्तर कटेगा तो यही ऑप्शन ठीक है सी ऑप्शन ठीक है दोस्तों यानी पच्चीस से लास्ट के दो अंक कट जाने चाहिए यहाँ पर क्या कहा गया है यहाँ पर कहा गया है दो अंकों की संख्या गुणनफल इतना और उनका भागफल इतना है तो संख्याओं का योगफल कितना होगा तो जैसा कहा गया वैसा कर लेते हैं ठीक है ना तो यहाँ पर अगर सपोज करो कि एक्स बटे वाई नौ बटे सात है तो इनका गुणनफल कितना होगा सिक्सटी थ्री और सिक्सटी थ्री को कितना बोल दे एक सात पाँच ठीक है ना तो कितना मिला? ये मिला दोस्तों पच्चीस बस पच्चीस की जगह पाँच यूज करना क्योंकि ये इस एक्स के इसकी भी साथ था और इसके भी तो पाँच का मल्टीपल होगा दोस्तों जो कहा गया उसने कहा कि टोटल यानी इनका आंसर क्या होगा योग योग बल पल, योग पल कितना होगा इसका सोलह इसमें भी गुना कर दीजिए पाँच सोलह पंजे अस्सी ठीक है तो यहाँ पर क्या कहा गया जब किसी संख्या को तेरह से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक नो होते हैं तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक काम करो ऐसे सवाल को तो आप ऐसा कर लिया करो जितने नो लिखे जा सकते हैं उन्हें साथ साथ लिखो और डिवाइड करते चलो एक ही बार में ज़्यादा मत लिखो कि बार बार, बार बढ़ाते रहना लेकिन तेरह सत्य काफ़ी बन सकता है दोस्तों तो अगर देख ले तेरसत्य कि आठ बजे फिर तेरा चीखंधर सेवेंटी एट तो यहाँ से कितना बचा ग्यारह सात नंबर एक सौ सत्रह सॉरी एक सौ उन्नीस बचा तेरह एक सौ सत्रह ठीक है तो इस तरह से चलता जा रहा है देख लो जो जो भी आपका लगता है ही ऑप्शन सेवन सिक्स नाइन सेवन सिक्स नाइन यहाँ तक ठीक है ये ठीक है डी ऑप्शन अच्छा यहाँ पे क्या कहा गया पाँच सौ सड़सठ से विभाजित होने वाली संख्या जो अट्ठावन हजार सात सौ एक के निकट हो तो क्या होगी तो पाँच सौ सड़सठ से विभाजित होने वाली कितना है अट्ठावन सात सौ एक अट्ठावन सात सौ एक के बाद मतलब एक सौ तीन बार तकरीबन ही चल जाएगा टोटल अगर देख ले जाए तो देखो पाँच सौ सड़सठ सड़ तो यही रहा एक बार बीस बचा ठीक है ना दो सौ बचा तो हमने एक संख्या एक बार बढ़ाई तो जीरो ना चलने के लिए जीरो लगा दी तीन आ, ठीक तो है सही है दोस्तों सारा तो तीन सौ मिला तीन सौ अगर ये मिला तो इससे अगली संख्या होगी जैसे बात पाँच सौ सड़सठ सड़ गुना एक सौ चार तो कितना मिलाई पांच आठ नौ छः आठ पांच आठ नौ छः आठ तो नौ पांच आठ नौ छः आठ ऑप्शन ए ही ठीक है दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल नौ हजार तीन सौ पिछहत्तर दो संख्याओं का गुणनफल कितना है जस्ट वेट दोस्तों ठीक है नौ हजार तीन सौ पिछहतर तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल पंद्रह मिलता है ठीक है ऐसा कहा गया बराबर पंद्रह एक गुणनफल पंद्रह बना पंद्रह को बोल दिया नौ तीन सात पांच पंद्रह नब्बे उसके बाद पंद्रह दो तीस पंद्रह बने पचहत्तर ठीक है ना तो इसका मतलब पच्चीस का मल्टीपल है पूछा क्या गया उन संख्याओं का योग योग हुआ सोलह सोलह गुना पच्चीस पच्चीस डेढ़ सौ बचे कितने पंद्रह और पच्चीस कम पच्चीस और पंद्रह कितने हुए चालीस तो चार सौ होगा दोस्तों तो टोटल इसका दो धनात्मक संख्या ये है उनका भागफल इतना है तो नो बटे पांच गुणनफल कितना हो यहाँ पर पे? पैतालीस तो पैतालीस को लिख दिया ये है ना तो दूनी नब्बे ठीक है पैंतालीस दूनी नब्बे तो ये रख दिया इसके बाद अगर देख लिया जाए तो एक मिनट दोस्तों गलती से डिलीट हो गया तो ये हो गया कितना पांच भाग और गुणनफल कितना हुआ यहाँ पे नौ पांच पैंतालीस को जब ग्यारह पाँच दो जीरो जब इससे विभाजित किया जाता है तो पंद्रह दो सौ छप्पन मिल जाएगा तकरीबन तो अगर दो सौ छप्पन मिलता है तो कितना मिला दो सौ सो छप्पन सोलह तो उसने पूछा कि इन संख्याओं का अंतर अंतर कितना है चार और चार गुना सोलह सोलह चौक चौसठ बी ऑप्शन ठीक है दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के तीन गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भाग पल और शेष फल प्रती एक बचते हैं दोनों कितने बचे आपके छे चले कोई बात नहीं यहाँ तक तो ठीक है प्रक्रिया यदि बड़ी संख्या के पांच गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागपल दो व शेषफल पल तीन बजते हैं अच्छा दो कंडीशन बनी पहली कंडीशन जो बनी उसे देख लेते हैं तो उसने तो कहा था कितना कि कितना कहा गया था ध्यान दीजिए भागपल भी छः था और ये भी छः था तो मतलब कि थ्री ए बराबर कितना रहा छः बी प्लस के ठीक है यहाँ तक तो तो सही थोड़े से सोल्व करना चाह रहे तो ये कर सकते हो आप एक मिनट जस्ट वेट ये मिला है ना? इसी के अकॉर्डिंग दूसरी कंडीशन बना लेते दूसरी कंडीशन में क्या है थोड़ा सा ही तो ध्यान देना है पाँच बी बराबर दो ए प्लस के तीन एक की वैल्यू पुट कर दीजिए जब एक वैल्यू पुट करोगे तो कितना मिलागा चार बी प्लस के साथ ये मिल जाएगा एक वैल्यू पुट करने पर जहां पर एक वैल्यू पुट करी तो बस आपको करना क्या है ठीक है ना तो यहां पे मिला बी था तो बी बराबर कितना मिला सात बी अगर सात है तो ये कितना मिल जाएगा सात दोनों चौदह और दो सोलह ये सोलह ठीक है दो अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने पर जैसे यह है सैतीस सैतीस तिरसठ तिरसठ चार अंकों वाली संख्या सदैव विभाजित होगी अगर देख लिया जाए तो दोस्तों सी सी ऑप्शन हो गया यहाँ पे है किसी तीन अंकों की संख्या को दोहरे कर एक छः अंकों वाली संख्या बनाई जाती है जैसे कि दो सौ छप्पन दो सौ छप्पन सौ अठहत्तर सौ अठहत्तर आदि तब इस तरह की बनी संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा पूर्णतः विभाजित होंगी तो इससे ठीक है ना तो ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर सिक्सटी एट का डी तो इससे कैंसिल करना चाहो तो ये रहेगा एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल तीन प्राप्त होता है जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल अनुफल छह प्राप्त होता है ठीक है ना तो चलिए करते हैं दोस्तों को तो करना ही होगा एक संख्या दूसरी संख्या को भाग देने पर भागफल तीन प्राप्त होता है ए बटे बी बराबर तीन तीन बटा एक जबकि संख्याओं का गुणनफल इतना है और यहाँ गुणनफल अगर देख ले जाए तो कितना है यहाँ पर भी अच्छा यहाँ पर तीन बना और तीन को बोलते हैं ये अच्छा अगर ये देख लीजिए तो कितने से कट सकता है ये हो गया बीस पच्चीस से इसका रूट निकाल दीजिए तो कितना मिला ये मिला आपका बीस पच्चीस तो पैंतालीस मिला जी तो जाहिर सी बात है छोटी संख्या कौन सी छोटी पैंतालीस बना जी चलिए दोस्तों और चलते हैं नेक्स्ट पर एक मिनट ज़रा पिछले वाला क्वेश्चन देख लेता हूँ ये ठीक है ना हाँ ठीक है तो यहाँ पर क्या कहा गया देखिए किसी संख्या को तीन से भाग देने पर शेषफल एक आता है जब इस संख्या को दो से भाग देते हैं तो शेषफल एक आता है यदि प्रारंभिक संख्या को छः से भाग दिया जाए कितने से यदि प्रारंभिक संख्या को छः से भाग दिया जाए तो बताना है आपको शेषफल क्या प्राप्त होगा ठीक है कोई प्रॉब्लम तो है नहीं वैसे दोस्तों आप चाह रहे हो ये सोच रहे हो तो चलिए या तो आप पूर्ण शेष की तरीके से कर लीजिए पूर्ण शेष का जैसे मैंने तरीका बताया था क्या था पूर्ण शेष के लिए तो क्या था वन ठीक है फिर वन ठीक है उसके बाद यही था बस वन प्लस थ्री इक्वल टू कितना हो गया फोर तो ये है फोर एक क्वेश्चन और कर देते हैं इतना किसी संख्या को जब कर्मिक रूप से चार और तीन से भाग दिया जाता है तो संख्या कर्म से एक चार आते हैं जब इसे कर्मिक रूप से पाँच और चार से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होंगे अच्छा जैसा कहा गया वैसा कर लो तो ज़्यादा ठीक रहेगा वरना आपकी भी समस्या बढ़ती रहेगी तो पहले पूर्ण शेष निकाल लेते हैं वन प्लस चार गुना चार तो यहाँ पर कितना हो गया वन प्लस के सोलह बराबर कितना हो गया सत्रह अब पाँच से भाग दीजिए सत्रह को ये ऐसे बना लेते हैं ना यहाँ लिख दिया सत्रह यहाँ पाँच से ये कितना हुआ पाँच दस पानती आप पंद्रह सो यहाँ पर शीश लिखोगे इधर तो तो यहाँ पे अगर चार से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा जीरो तो जीरो तो इसका मतलब तीन रहा कितना दो और तीन आपके है यहाँ पे क्या कहा गया एक संख्या को क्रम से दो तीन सात से विभाजित करने पर शेषफल एक एक छ रहता है ठीक है तो यहां पे दोस्तों करना यह है पहले पूर्ण शेष निकाल लेते हैं ठीक है ना तो पहले पूर्ण सेज निकाल लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो ये रखा फर्स्ट जस्ट वेट क्या रखा आपने फर्स्ट प्लस एक गुना दो फिर उसके बाद रखा नेक्स्ट वाला छः अब इसमें दो गुना तीन तो सारा सेज कितना हो जाएगा ये हो गया ठीक है ना एक चीज़ और रुकी यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है दोस्तों अब पूर्ण शेष निकला गया छत्तीस दो उनतालीस मिला ठीक है ना उनतालीस मिला उनतालीस के लिए उसके बाद बयालीस से डिवाइड करोगे सॉरी यहाँ पर यही आपको अगर देख ले जाए तो सेस क्या होगा तो यही रहेगा थर्टी नाइन ही ठीक है ना सेस फुल क्या रहेगा थर्टी नाइन तो या फिर दोस्तों एक दूसरा तरीका हो रहा है अगर आप इसे करना चाहते हो तो दूसरे तरीके से कर लीजिए देखो मैं दिखा देता हूँ बस आपकी मल्टीप्लाई अच्छी होनी चाहिए अगर मल्टीप्लाई ठीक है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसे दो यहाँ पर लिखा हमने जस्ट वेट ये वाला क्वेश्चन था और करा क्या दो तीन सात ठीक है ना ऐसे लिख दिया आपने ये सात है तो इसके बाद यहाँ लिख दिया शेष आपने एक एक छः और एक बार चला साथ ही हम साथ तेरह तो और तेरे ते उनतालीस चाली एक चालीस चालीस दुनिया अस्सी और एक इक्यासी तो इक्यासी संख्या बनी आपकी अभी इक्यासी को सॉरी इक्यासी को आपने किया क्या फोर्टी टू से डिवाइड कर दिया तो इक्यासी कम सॉरी फोर्टी टू कम यहाँ से बचने थर्टी नाइन बचा ये सेज था लीजिए अब चाहे तो इस तरीके से भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं ठीक है, है ना तो यहाँ पे क्या है दोस्तों यहाँ पे है कि जब किसी संख्या को छप्पन से भाग देते हैं उनोत्तर शेष बचता है और आठ से भाग देने पर क्या शेष है आठ या चौबीस पाँच बचेगा दोस्तों यहाँ पे यहाँ पे क्या कहा गया किसी संख्या को चार चार और सात से उत्तरोत्तर भाग देने पर क्रम से दो एक प्राप्त होता है यदि उसी संख्या को अट्ठाईस से भाग दें तो शेष क्या प्राप्त होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है संख्या निकाल लेते हैं बस ईजीली आप यहाँ पे चार सात यहाँ पे दो एक सात कम सात और एक आठ मिला तो आठ बत्तीस दो चौंतीस तो चौंतीस है अब चौंतीस को भाग दोगे आप किस से अट्ठाइस से तो मिलेगा कितना छः से इस नेक्स्ट है आपका यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ यदि कोई संख्या ग्यारह तेरह से विभाजित हो तो यह अनिवार्यता है निम्न में से किससे विभाजित होगी ग्यारह भी हो और तेरह से भी अच्छा इनमें से कौन सी कंडीशन ऐसी है जिससे वो पूर्णतः डिवाइड होगी होगी तो ये है मल्टीप्लाई वाली और क्या दोस्तों मल्टीप्लाई होने पर आप समझ सकते हो दो गुना तीन ये दो से भी डिवाइड होगा और तीन से भी तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई वाली वैल्यू ठीक है यहाँ पर क्या कहा गया यहाँ पर कहा दो कर्मागत विषम पूर्णांक के वर्गों के बीच का अंतर हमेशा हो सकता है तो हमेशा हो सकता है ये बात ज़्यादातर तो अगर देख लिया जाए संभावना आठ की रहेगी विषम कर्मागत कहा ना तो विषम कर्मागत में मतलब कि अगर देख लिया जाए एक तीन पाँच बस इतना ही सफिशेंट है यहाँ पर अगर देख लिया जाए इनके वर्गों का अंतर ये एक है और यहाँ पर कितना हुआ नौ यहाँ पर कितना हुआ पच्चीस और यहाँ पर उनचिस इसे से घटाओगे तो कितना मिला आठ यहाँ से घटाओगे तो मिलेगा आपको सोलह और यहाँ पे घटाओगे तो कितना मिला यहाँ मिला मिलागा चौबीस तो इसका मतलब ये भी आठ सौ डिवाइड ये भी आठ सौ हो सकता है तो सारा ही ये आंसर आपका रहा यह है तीन नौ पाँच सात में तिरपन उन्चिस को जोड़ा जाता है तो प्राप्त राशि में से इतना घटाया जाता में कितना हो गया तो ठीक है जैसा कहा गया वैसा कर लीजिए इसमें क्या तो तीन नौ पाँच सात इस क्वेश्चन को तो वैसा आप कर सकते हो ऐसा कहा इसे जोड़ दे और इसे घटा दिया ठीक है ना घटाने के बाद क्या हो गया यहाँ पर दो दो चार चार ये मिला और इसे क्या लिख सकते हो आप तीन गुना चार गुना ग्यारह गुना सत्रह तो क्या विभाजित नहीं होगी किस से तीन से भी होगी चार से साथ एक ऐसा ऑप्शन है दोस्तों जिससे विभाजित नहीं होगा हमारे पास नहीं है ना वो साथ यहाँ पर सत्रह होता तो फिर तो ठीक था यहां पर पूछा गया क्या यदि एम तथा धनात्मक हो तो एम माइनस एक संख्या हो तो एम स्क्वायर हमेशा कैसा होगा तो कैसा हो सकता है तो ये सम थे तो जाहिर सी बात है एक को अगर आप दो माने एक एक है तो वर्क कर दिया इनका जोड़ोगे तो कितना जोड़ने पे कितना हो रहा है इनका अंतर अंतर क्या है सम संख्या है ये तो ठीक नहीं है ये ठीक नहीं है बात ठीक है ना तो देख लिया जाए ये सही नहीं है दूसरा देखते हैं एक तो तीन ले लीजिए धनात्मक एक पाँच हाँ इन्हें जोड़ोगे तो जोड़ने पे कितना मिला आठ तो ये संख्या है ये तो ठीक है और सॉरी अंतर अगर निकाल ले अंतर भी दो मिला आपका ठीक है तो ये तो बहुत सही है अब इनका वर्ग पाँच का पच्चीस होगा तीन का नौ और घटा तो सोलह <coughs> किसके द्वारा विभाजित रहेगा तो अगर देख जाए यहाँ पर सबसे सब जो ज़्यादा सही रहेगा है ना लास्ट में हमने सोल किया भी था आठ ही ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने ऐसे किया था ना तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से देख के चलना क्योंकि दोस्तों थोड़ी बहुत ही टाइपिंग में बेस्ट हो जाता है यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में बताना है देख एक बार देख लेते हैं तीन सात तीन आठ एक छः चार ठीक है अब इसे ग्यारह से विभाजित किया जाता है का मान क्या हुआ देखो ग्यारह से डिवाइड करने का मतलब होता है विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं का योग ठीक है इनका अंतर जो है दोस्तों विषम स्थानों के ना कि संख्या दोस्तों उनका अंतर जीरो आना चाहिए तो यहां पर अगर देख लिया सात आठ ठीक है ना कितना सात उसके बाद कितना आठ और छः ये ऐड कर दिया तो कितना हो गया पंद्रह छः इक्कीस ठीक है ना उसके बाद फिर तीन तो दो ए प्लस तीन तो इसमें से इक्कीस घटा दीजिए और बराबर में जीरो जाना चाहिए यहाँ पर दो ए यहाँ से बचा अठारह तो ये अठारह तो ए बराबर नौ मिलना चाहिए आपका तब आपका आंसर ठीक रहेगा ठीक है ना यहां पे इसमें बताया गया स्टार की जगह लुप्त अंक ज्ञात कीजिए जबकि की जब की ग्यारह से विभाजित हो तो वही पहले सबसे पहली बात है आपको पता होना चाहिए आप क्या करने जा रहे हैं तो ये विषम अंक, अंक विषम स्थान के अंक ले लिए आपने और सम की अगर बात की जाए तो सम में कितना है यहाँ पर गलत हुआ दोस्तों ये यह। यहाँ पर छः होना चाहिए कितना होना चाहिए छः और यहाँ पर पाँच स्टार प्लस के चार ये होना चाहिए और बराबर में ज़ीरो तो कितना हुआ पंद्रह दो सत्रह एक अट्ठारह माइनस के यहाँ पर कितना होगा नौ माइनस के एक्स बराबर ज़ीरो यहाँ से नौ माइनस के एक्स बराबर जीरो तो एक्स बराबर यहाँ पर भी नौ ही तो ठीक है यहाँ पे भी स्टार की जगह नो मिला यहाँ पे क्या कहा गया वह व्रत अंक एक्स जिसके लिए संख्या पांच स्टार तीन से विभाजित है तो जहाँ पे एक्स है वो वैल्यू निकालनी है है ना पांच एक्स सात नौ तीन एक्स चार तो तीन से विभाजित तीन के लिए विभाजित होने की खास बात है सबका टोटल करना चाहिए तो टोटल कितना हुआ बारह बारह नौ इक्कीस इक्कीस चौबीस और अट्ठाईस तो जाहिर सी बात है अट्ठाईस है तो कितने की कमी है दो की तो दो की कमी है एक इसका वैल्यू हो सकती है या एक इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है आपकी एक तो बट आज ऑप्शन में नहीं है तो थोड़ी ज़्यादा ले सकते हो आप ठीक है ना अगर इसकी जगह आप अभी कितना हुआ ये ये हो रहा था ट्वेंटी एट ठीक है ट्वेंटी एट में अब थोड़ी सी संख्या और बढ़ानी है अगर आप इसमें बढ़ा देते हो सपोज कि यहाँ पर हमने बढ़ाया था दो, दो तीस कटा फिर तैतीस तेंतीस में अगर देख लिया पाँच बढ़ेगा फिर उसके बाद अगर देख लिया जाए फिर होगा फिर क्या होगा अगर देख लिया जाए तो यहाँ पर रहेगा इसमें दोस्तों वाहितम अंक पूछा गया बड़े से बड़ा अंक क्या हो सकता है तो इसलिए थोड़ी सी समस्या है अगर देख ले जाए तो यहाँ पर ज़्यादा बड़ा सात ले लो तो सात लोग हैं ना सात सात चौदह जब चौदह जोड़ दोगे इसमें चौदह तेरा कितने होंगे बयालीस ये तीन से कट जाएगा तो ये रहेगा अधिकतम अंक ठीक है ना ज़्यादातर ये ठीक रहेगा चलिए यहाँ पर भी बताना है कि यहाँ पर स्टार की जगह क्या है तो स्टार के सामने लिखा है तीन आठ एक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तीन आठ एक का मतलब एक्स प्लस के आठ और प्लस माइनस सॉरी तीन प्लस के एक और बराबर ज़ीरो एक्स प्लस आठ और ये कितना मिला प्लस चार ठीक है तो यहाँ पे एक्स बराबर मिला आपको कितना माइनस चार अगर ये माइनस चार मिला बट सही क्या होगा सही होना चाहिए आपका कैसा सही पता लगेगा आपको आंसर मिलना चाहिए हमेशा ग्यारह बनना चाहिए तो कितने की कमी है सात की और वैल्यू लोगे पॉजिटिव तो सात आंसर ठीक रहेगा आपका यहाँ पर भी यही बताना है बस आपको स्टार एक ऐसी ऐसा अंक है जिसके कारण ग्यारह से विभाजित यह पाँच के साथ दो और फिर स्टार पाँच दो और एक्स पाँच दो एक्स और यहाँ पे कितना है आठ चार बस यही संख्या है एक बार दोस्तों मैं इसे चेक कर लेता हूँ बस जिससे कंफर्म हो जाए कि कोई समस्या ना हो ठीक है सब तो इक्वल टू ज़ीरो रखो यानी ये कितना सात प्लस के एक्स ये कितना हो गया कि बारह बराबर ज़ीरो एक्स माइनस ये पाँच हो गया एक्स बराबर मेला पाँच लो जी यहाँ पर क्या है नौ से विभाज नौ से डिवाइड होने के लिए सबका टोटल डिवाइड हो जाना है एक बार चेक कर लेते हैं जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो ठीक है ना ये कितना हो गया नौ इसे तो छोड़ ही दीजिए और सात दो नौ इसे भी छोड़ दीजिए तीन तीन में कितना जोड़ना होगा छः जोड़ना होगा दोस्तों तो छः आंसर यहाँ पर अच्छा ये वाले फॉर्मूले ये क्वेश्चन आपको तो ध्यान से देखने होंगे आपको देखो यहाँ पर क्या लिखा है सिक्सटी सेवन की पावर सिक्सटी सेवन और यहाँ पर सिक्सटी सेवन है अच्छा अगर आप इसे ऐसे लिख दो तो अब हमें एक बात बताती ये प्लस वाली वैल्यू प्लस से ही कैंसिल होगी ये तो कैंसिल हो जाएगी से इस क्या बच जाएगा सिक्सटी सिक्स यहाँ पर दिया गया इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ये थोड़ा सा लेंथ ही रहेगा बस इसे थोड़ा सा ध्यान से रखना आपको यहाँ पर कितना है दो की पावर दो को अगर आठ करोगे तो या, इसे आप ऐसे लिख सकते हो दो की पावर आठ माइनस एक और दो की पावर आठ प्लस एक ऐसा लिख सकते हैं अगर ऐसा लिखा तो आप यहीं के यहीं इसकी संख्या खोल दीजिए ये दो सौ छप्पन है तो पचपन बच जाएगा और यहाँ पर कितना है ये छप्पन है तो सत्तावन हो जाएगा अब इसके जब फैक्टर खोल दोगे आप तो क्या मिलेगा तीन गुना पाँच गुना ठीक है ना ये सत्रह और ये कितना हो गया बस सतराह मिला ना मल्टीप्लाई में यही ठीक है बस और क्या तो यहाँ पर भी आपको बताना है इसकी पावर कितनी है इसकी पावर है यहाँ पर बारह तो इसकी वैल्यू निकालनी है चलिए निकाल देते हैं ज़्यादा कोई समस्या नहीं है बस सोल्व करने में थोड़ी सी ये कह रहा है कि किसके द्वारा पूर्णतः विभाजित होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है ना तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या लिखोगे आप यहाँ पे यहाँ सात की पावर ऐसे लिख सकते हो सात की पावर छः माइनस के चार की पावर छः और यहाँ पर सात की पावर छः प्लस के चार की पावर छः इसके दोबारा खोल दोगे तो इसे कितना ले रह जाएगा एक काम थोड़ा सा इस तरीके से खोल दीजिए इसे एक बार और तीन सौ तैतालीस माइनस चौंसठ इसी तरह से तीन सौ तैंतालीस माइनस प्लस चौंसठ इसे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर अब इसे अगर थोड़ा सा और सोल्व कर दो टू सेवन नाइन मिला और यहाँ पे कितना मिला ये मिला फोर जीरो सेवन और ये इज है ना यहाँ पे भी तो अब अगर ये रखा गया तो जो का अब आपको मिला क्या तीन गुना नौ तीन गुना कितना हो गया ग्यारह तीन सात ठीक है ना तो इसके बाद ये कितना हुआ तेतीस ये कितना हो गया तिरानवे और ये कितना हो गया सैंतीस तो पूर्णतः तो विभाजित होगा तेतीस तो है ही है दोस्तों ग्यारह तेतीस है ना चलिए यहाँ पे दो की पावर इकतीस पाँच से विभाजित होना चाहिए तो इसे थोड़ा सा सोल्व करना होगा आपको क्या सोल्व करना एक काम करो दो तो एक अलग लिख लिए दो की पावर तीस अलग लिख दीजिए इसे और खोल दोगे तो इसे दो इट इज और यहाँ पे लिख दीजिए क्या चार की पावर पंद्रह ठीक है ना चार की पावर पंद्रह एक जोड़ दीजिए एक घटा दीजिए और ये जो है पावर घात यानी विषम है और प्लस वाली वैल्यू है तो पाँच से डिवाइड हो सकती है पाँच से तो माइनस एक बचा हुआ तो ज़ाहिर सी बात है अब आपको मिलने वाला क्या है दो के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो पाँच में से आपको माइनस का शेष हुआ नहीं करता कभी भी तीन बचेगा आंसर ठीक है ना माइनस का शेष कुछ नहीं होता यहाँ पे कितना तीन सौ तेईस यहाँ पे कितना है बत्तीस ठीक है और यहाँ पे है तीन सौ सैतीस और प्लस स्टार तो जी दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ है ना इससे कि कन्फर्म हो जाए हाँ दोस्तों ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है गलत क्या है ये सही तरीके से नहीं लिखा गया ठीक है ना इसमें करना क्या था बस ये इस तरीके से था क्वेश्चन चलिए मैं लिख देता हूँ जल्दी से यहाँ तीन की पावर था ये कितना तीन की पावर ये था आपका पच्चीस और ये था तीन की पावर छब्बीस तीन की पावर सत्ताईस और तीन की पावर अट्ठाईस तो तीन की पावर पच्चीस कितना हो गया यहाँ हो गया वन प्लस के तीन प्लस के तीन का स्क्वायर और तीन की क्यूब ठीक है ना तो यहाँ पे कितना होगा तीन की पावर पच्चीस तो मिला चौबीस गुना तीन गुना यहाँ पर कितना मिलेगा नौ सत्ताईस नौ ये बनेगा चालीस आपका चालीस बना तो इसकी मल्टीप्लाई एक सौ बीस होगी ये कितना होगा एक सौ बीस एक सौ बीस अगर ये मिला तो ये तीस से विभाजित हो जाएगा और क्या तो यहाँ पे दो अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि अट्ठारह जोड़ दिया जाए तो हमें उत्कर्मिक संख्या के अन्य अभाज्य संख्या मिलने कितने संभव है तो उसने कहा अगर मतलब कि अभाज्य संख्या जोड़ दी जाए ये थी अभाज्य तेरह में आपने अट्ठारह जोड़ दिया सपोज तो कितना मिला इकतीस मिला हाँ इसका उत्क्रमणीय ऐसा कहा उसने ऐसे कितने जोड़े हो सकते हैं तो अगर देख लिया जाए एक और है बस दो बन सकते हैं आधी वैसे इसका फाइनल आंसर कहना मुश्किल है दोस्तों इस तरह से ठीक है ना यहाँ पर क्या कहा गया दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दाही के अंकों के दुगुना में से एक कम कर दिया जाए जैसा कहा वो उसे कर लेते हैं तो वाई बराबर कितना टू एक्स माइनस वन और यदि इकाई के इकाई और दाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए ठीक अब तो नई संख्या मूल संख्या के बीच का अंतर बीस कम रहेगा बीस कम तो मतलब कि होगा क्या उन्नीस एक्स माइनस के आठ वाई ये सोल्व करने के बाद है दोस्तों ठीक है ना जब इसे सोल्व कर दोगे तो तो इन सब को आपको करना क्या सोल्व करना दोनों उन्नीस है तो जैसे ही सोल करोगे आठ की मल्टीप्लाई करनी होगी तो इन सबको सोल करने के बाद आपको एक्स बराबर मिल जाएगा ये एक काम कर लो वाई की वैल्यू रख दो यहाँ पे तो एक्स बराबर चार मिल जाएगा देखो यहाँ पे कितना होगा यहाँ वाई रखा आठ दो सोलह तो तीन तीन से कटा हाँ ठीक है तीन से बारह कटा तो चार मिल जाएगा ठीक है ये तो ये मिला इसके बाद ये वाई की वैल्यू रख दीजिए ये कितना रखोगे आठ आठ में से एक गया सात तो वाई मिला सात तो संख्या क्या आती है सैंतालीस ठीक है ना संख्या थी आपकी नाइन्टी सेवन तो चलिए इस बारे में भी पता लगा दोस्तों अच्छा अगर चाहे तो आप मैंने बताया था ना ऑप्शन से कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा जैसे ऑप्शन है यहाँ पे यहाँ पे सैंतालीस दिया हो सैंतालीस और पहली संख्या इन्हें आपस में बदल दिया जाए तो कितना होगा देख लीजिए बदलने के बाद ये इससे बीस कम रहनी चाहिए सैतालीस हो रहा है ऑप्शन सब हो रही है ठीक है ना कर लीजिए आप अगर ट्राई करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या कहा गया तीन अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े वाले स्थान वाले अंक के स्थान वाले अंक का दोगुना ठीक है जैसा कहा गया अब इसके बाद क्या कहा गया यहाँ पर और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है यह भी कहा गया यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या तीन सौ छानवे कम हो जाती है चलिए अंक भी उलट देते हैं तदनुसार तो अनुसार उस सैकड़े वाले अंक और दही वाले अंक का अंतर कितना होगा थोड़ी सी मुसीबत है तो चलिए जैसा कहा वैसा कर लेते हैं ठीक है ना अगर संख्या मान के चले आपने मान ली संख्या यहाँ सो एक्स प्लस के दस वाई प्लस डेड यहाँ से पता लगा तो मैं इकाई का अंक के साथ कोई मल्टीप्लाई आई दही के साथ दस की और इसके साथ सो की जैसी कंडीशन कहा मैं कंडीशन लिखता हुआ चला पहली कंडीशन कही थी उसके बाद इनका योगफल बताया था कितना यहाँ पे योगफल बताया था कितना अट्ठारह ठीक है और इन अंकों को बदलने के बाद अगर अंकों को बदल दो बदलने के बाद आपको मिला क्या यानी सो एक्स प्लस के दस वाई प्लस के जेड और माइनस के कितना होगा सो जेड और माइनस के दस वाई और माइनस के एक्स किन का अंतर तीन सौ छानवे है अब ये सोल्व करने के बाद ये दो इक्वेशन आपके पास रही अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना ठीक है सोल्व करोगे तो एक्स सबसे पहले तो सोल्व होने के बाद यहाँ पर निकलेगा जेड क्या होगा जेड क्योंकि जेड जैसे ही मिला तो जेड की वैल्यू कितनी मिलने वाली है जेड की वैल्यू मिलने वाली है आपकी एक मिनट दोस्तों नहीं ये गलत हो गया चार रहेगी ठीक और चार है चार के बाद आपको फिर ठीक है ना एक्स वाई का अंतर इस चार को आप चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हो और सोल करोगे एक्स बराबर यहाँ चार आया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा एकस, एकस मिल जाएगा आठ आठ मिल गया तो यहाँ दोनों को आठ और चार बारह तो वाई मिला गया तो जो अंतर कहा आठ और छः का अंतर कितना था दो ये ऑप्शन तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं यहाँ पे क्या कहा गया यदि तीन अंकों वाली किसी संख्या में इकाई का अंक दाही के अंक आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से तिरसठ अधिक है यदि मूल सं मूल संख्या में इकाई अंक एक्स हो तो तीनों मान हो सकते हैं जैसा कहा गया वैसा इनके तकरीबन मान अंतर सिक्सटी थ्री होना चाहिए अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इनका अंतर किया अगर देख लिया जाए तो सारे सोल्व करने के बाद आपको मिलने वाला क्या है ठीक है आप सबको जो मिलने वाली क्योंकि एक तो वैल्यू सेम ही थी तो नाइन एक्स माइनस के नाइन वाई बराबर सिक्सटी थ्री तो x- माइनस वाई बराबर कितना होगा सेवन तो ये अंतर रहा रहने वाला है अगर ये अंतर रहने वाला है तो आपको ध्यान रखनी होगी कुछ बातें क्या है ध्यान रखना इनमें से किस किस का अंतर रह सकता है ये तो संभावित मान क्या हो सकते हैं पहले तो ठीक है ना संभावित मान आपके हो सकते हैं पहला ही ऑप्शन ठीक है सात आठ नौ सात सात है आठ है और नौ अगर इन्हें आप चाहो तो नौ के साथ रखना चाहो तो नौ और दो लिख रख लीजिए आठ के साथ आठ एक और सात के साथ जीरो देखिए अंतर घटाओगे तो आपका साथ मिलता चले जाएगा ठीक है फिर यहाँ पर क्या कहा दो अंकों की किसी संख्या और उनके अंकों को आपस में बदल बदल कर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर सदा होगा तो अंतर हमेशा क्या होगा नो से विभाजित होगा और क्या अभी तो देखा आपने यहाँ पर दो अंक की संख्या और इस अंक के दोनों अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या के बीच नो का अंतर है तो दोनों उस संख्या के दोनों अंकों में कितना अंतर होगा ठीक है ये अजीब गरीब क्वेश्चन पूछते रहे तो, तो जाहिर सी बात अभी देख तो लिया भाई हमने बताया था कि उनका अंतर कितने का रहेगा नौ का मल्टीपल होगा वो हमेशा और यहाँ पर भी नौ कहा नौ से नौ काट दिया कितना होगा एक यहाँ पे क्या कहा गया दो अंकों को की एक संख्या अपने अंकों के योग की पांच गुनी है जैसा कहा था ठीक है यदि संख्या में नौ जोड़ दिया जाए तो अंक के स्थान परस्पर बदल दे जाते हैं ठीक तो अंकों का योग क्या है ठीक है ना यहाँ पे अंकों का योग बताना आपको तो अंकों का योग जो यहाँ पे है नो है मैं समझाता हूं कैसे नो कैसे तो इससे अंक देखिए क्या बन रखते हैं अगर अंक देख लिया जाए तो यहाँ पे अभी फिलहाल पैंतालीस बना लेते हैं हम अगर नो जोड़ देगा तो अंक उलट गए चौवन हुआ और इस ये अपनी संख्या की पांच गुनी है देखो है ना पांच गुनी तो सारी कंडीशन फॉलो आपकी। चलिए। पे क्या है? यदि किसी दो अंकों वाली संख्या और उसके अंक परस्पर पलटकर बनाकर संख्या का योग एक सौ दस है चलिए ठीक कहा तो ज्ञात कीजिए कि इकाई का अंक दहाई के अंक से चार कम है संख्या निकालनी है आपको ठीक है कोई बात नहीं है चार पहले में वैसे पहले में माइन पहला तो गलत ही है इनमें से दो ऑप्शन होने की ज़्यादा संभावना एक तो ये और ये ये दोनों तो गलत हैं सेवेंटी थ्री को फॉलो कर लेते हैं ठीक है ना, अगर तो सेवेंटी थ्री प्लस पलट दिया जाए तो ये सैंतीस जोड़ दोगे कितना जीरो हाँ यही ठीक है दोस्तों सेवेंटी थ्री क्योंकि अगर इनके अंकों को उलट दिया जाए उलटने के बाद एक सौ दस हो सकता है अगर ये चौरासी है चौरासी को उलटोगे अड़तालीस तो ये फिर एक सौ दस तो बना नहीं ना बारह दो तेरह ठीक है यो ये कितना हो गया आप एक सौ दस नहीं बना तो ये तो गलत ही है दो अंकों की स, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग साथ है कितना है अंकों का योग अंकों को उलट दिया जाए तो उनके अंकों नई संख्या में तीन जोड़ने पर चार गुनी हो जाती है ठीक है तो उसके बाद कहा क्या गया आपको यहाँ पर दोस्तों रहेगा डी ऑप्शन क्यों है ठीक देख लीजिए अंकों का योग साथ है यहाँ पर तो ठीक यहाँ पर भी साथ वैसे सभी का साथ था तो अभी सोलह इसकी और कंडीशन बताता हूँ यदि अंकों को उलट दिया जाता है मतलब कि छः एक कर दिया जाता है तो नई संख्या में तीन जोड़ने पर तीन जोड़ दिया नई संख्या में तो वह मूल संख्या के चार गुनी हो जाती है चौसठ इसकी चार गुनी है ठीक है ना तो संख्या ठीक है मैंने पहले ही बताया था दोस्तों अगर आप चाहो तो ऑप्शन से कर सकते हो और बहुत ईजी हो जाएंगे ये क्वेश्चन चलिए किसी दो अंकों की एक संख्या एवं अंकों के संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग एक सौ दस है क्या है योग उसका एक सौ दस तो संख्या ज्ञात कीजिए और इनके बीच का अंतर चार भी है तो जैसा कहा गया वैसा कर लेते हैं तो सेवेंटी थ्री सही है आंसर इसका सोल्यूशन मैंने पीछे दिखाया था तो लास्ट क्वेश्चन में तो ठीक है देख लेना अंतरचार है यहाँ पर अगर देख ले जाए तो वैसे ही गलत है क्योंकि अड़तीस है अड़तीस का अंतर तो यहाँ पर चार तो है नहीं ना चलिए पिछले वाले क्वेश्चन के थ्रू कर लेना है आपको तो एक दो अंकों की संख्या और अंकों का योगफल की चार गुनी है और अंकों के गुणनफल के तीन गुने के समान है संख्या के दसम स्थान और प्रथम स्थान के बीच का ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है बस एक काम करना आपको यहाँ पर इन दोनों के बीच का अंतर निकालना अब अच्छा कहा था क्या पहली कंडीशन तो सुन लीजिए ये आपको हल कर लेनी है खुद मैं जल्दी से बता दूंगा अगर ये है संख्या तो अपने योग की कितनी आनी चाहिए चार गुनी पहली कंडीशन तो जब ये मिलेगा तो यहाँ से आपका ठीक और दूसरी बात फिर उसने कहा अगर कोई संख्या है आपके पास तो वो होगी कितनी तीन एक्स वाई ठीक है ना तो यहाँ पे अगर देख ले जाए तो इन दोनों को सोल्व करने के बाद x बराबर तो यहाँ से दो मिल जाएगा और y बराबर इसका दुगना है तो जाहिर सी बात कितना होगा यहाँ पे चार मिल जाएगा इन दोनों का अंतर कितना मिला दो तो ये लीजिए ऑप्शन ए तो इसी के साथ दोस्तों एक आवश्यक सूचना हमारे इसी चैनल पर आपको करंट अफेयर्स की क्लास भी प्रोवाइड करा दी जाएगी ये दो भाषाओं में होते दोस्तों एक तो फोर ठीक है ये हिंदी की कि फ़ोर एम से स्टार्ट ये फाइव एम से ठीक और आप चाहे तो एक बेनिफिट ये होगा दोस्तों कि शॉर्ट वीडियोज़ है शॉर्ट वीडियोज़ वीडियो मतलब कि एक मिनट में आपकी सारी क्लास ख़त्म करंट अफेयर्स और फिर आप अपना जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हो कर सकते हो तो इसी के साथ दोस्तों आज की ये चैप्टर पूरा ख़त्म हुआ तो मैं संजीव तोमर एक बार फिर विदाई लेता हूँ आपसे हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी निरंतर जारी रखिए ठीक है ना मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग